नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। सबसे पहले रक्षाबंधन की आप सबको बहुत बहुत बधाई। आज हम सेवई बनाने जा रहे हैं। सेवई बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स आपके स्क्रीन पर हैं। सबसे पहले हम एक पैन में घी डालेंगे, उसमें हम अपने ड्राई फ्रूट डालेंगे एक एक करके। बादाम डाले हैं मैंने यहाँ पर। बादाम रोस्ट होने के बाद अब हमने इसमें अपने काजू डाले हैं। इसके बाद हमने थोड़े आधे साबुत काजू हमने करे हैं, आधे हमने टुकड़ों में रख लिए थे। इसके बाद हमने पिस्ते लिए हैं। पिस्ते को भी हमने हल्का हल्का देसी घी डाला है इसमें, सब में भुनने के लिए। इनको भी हमने ज़्यादा, बहुत ज़्यादा नहीं ब्राउन करना है। पिस्ता हमारा भुन गया है, उसको हम साइड करके अब हम इसमें अपने बादाम डालेंगे, थोड़े साबुत वाले। इससे पहले हमने टूटे वाले बादाम लिए थे। किशमिश डाली है, किशमिश को मैंने यहाँ पर काट लिया है। आप साबुत भी करना चाहें तो साबुत भी रोस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम अपने कढ़ाई के अंदर देसी घी डालेंगे। हमने सारे ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट कर लिया है घी में। यहाँ देसी घी में हमने जो है सेवियाँ डाली हैं। सेवियों को आप हाथ से बिल्कुल चूरा चूरा कर लें, बिल्कुल बारीक बना लें उसको, चूरा चूरा करके। अच्छी तरह से हमारी सेवियाँ जब भुन गई हैं तब हमने इसमें चीनी का पाउडर डाला है। नारियल डाला है मैंने, ग्रेटेड नारियल। बादाम का पाउडर डाला है। बादाम का पाउडर ऑप्शनल है, अगर आप ना डालना चाहें तो ना डालें। अब हम इसके अंदर मिल्क पाउडर डालेंगे। 2 टेबलस्पून के करीब मैंने इसमें मिल्क पाउडर डाला है। यहाँ मैं इसके अंदर सिरप डाल रही हूँ चीनी का। चाशनी मैंने जो बनाई थी घेवर के लिए, वो चाशनी मेरी बच गई थी। दूध डाला है, घेवर बनाए थे मैंने जब तो उसकी चाशनी मेरी बच गई थी, तो केसर वाली चाशनी मैंने इसमें डाली है। उसके बाद इसमें मैंने दूध डाला है। गुलाब जल डाल रही हूँ मैं इसमें थोड़ा सा खुशबू के लिए। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी का छींटा देकर और इसको ढक देंगे बिल्कुल सिंपर करके गैस को, जिससे कि हमारी जितनी भी सेवई है ये बिल्कुल अच्छे से पक जाए। हमारी सेवई अच्छी से पक गई है बिल्कुल। बहुत अच्छे से हमारी पकी है, कहीं लगी भी नहीं है बिल्कुल। अब हम इसके लिए मद बना रहे हैं, जो बीच में हमने इसके भरना है सामान। दूध लिया है मैंने। दूध में मैंने यहाँ मैंने 3 से 4 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर लिया है। 2 टेबलस्पून अरारोट लिया है, उसे हमने ठंडे दूध के अंदर अच्छे से मिक्स कर लिया है। दूध हमारा यहाँ पर उबल गया है, कंडेंस्ड मिल्क मैंने डाला है इसके अंदर। मिल्क पाउडर डाला है, कस्टर्ड आप किसी भी फ्लेवर का ले सकते हैं। ये हमने जो कस्टर्ड को दूध में घोला था और अरारोट को, वो मैंने डाला है। इसे पक गया है, अब हमने साइड कर दिया है, इसे गाढ़ा हो गया है। अब आप इस तरह का कोई बर्तन ले लें, उसमें आप अपनी सेवई को फैला दें अच्छी तरह से।
चारों साइड से इसको एक साथ जो है दबा दबा कर अच्छे से भर दें। इसकी परत एक बना लें ऐसे। सेवई को थोड़ा हाथों से खोल लें ताकि उसकी गिठाएं से ना बनी हो। अच्छे से इसे किसी चीज़ से दबा दबा कर ऐसे फ्लैट कर दें। उसके ऊपर अब हम अपना जो दूध के अंदर हमने कस्टर्ड बनाया है वो डालेंगे। उसके ऊपर फिर हम एक लेयर डालेंगे इसकी सेवई की, और उसके बाद हम इसे ड्राई फ्रूट से गार्निश करेंगे। इस लेयर के बाद एक लेयर और सेवई की डालेंगे हम इसके ऊपर, और सेवई को भी हमने इस तरह से हल्का हल्का दबा देना है जैसे हमने नीचे वाली दबाई थी। और उसके ऊपर आप अपने जो भी आप अपने ड्राई फ्रूट वगैरह से इसको गार्निश करना चाहते हैं उससे आप उसे अच्छी तरह से गार्निश कर दें। इस तरह से आप डाल दीजिए इसके अंदर। गरम गरम ही डालना है क्योंकि ठंडा होने के बाद वो जम जाएगा कस्टर्ड हमारा। अब हम इसके ऊपर अपने सारे ड्राई फ्रूट फैला देंगे अच्छे से। ये एक लेयर मैंने और डाली है सेवई की, और उसके बाद हमने ड्राई फ्रूट उसके ऊपर फैलाए हैं। इसको भी आप अच्छी तरह से दबा दें। बीच में हमारे जो है कस्टर्ड की लेयर है, ऊपर नीचे सेवई है, और इसके ऊपर गार्निशिंग के लिए आप जो भी कुछ डालना चाहें, नारियल किशमिश भी डाल सकते हैं, ड्राई फ्रूट डालना चाहते हैं तो ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं अपनी मनपसंद से। इसे भी अच्छी तरह से दबा दें, बहुत ज़ोर से नहीं दबाना क्योंकि नीचे हमारा कस्टर्ड है। कंडेंस्ड मिल्क मैंने घर में ही बनाया था, उसकी रेसिपी मैं आपको डाल दूँगी आगे। मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी सेवई की, लाइक शेयर सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में बताएं भी ज़रूर।